ये हम बार बार बोलते जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो एक मौका है आपका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट सिंगर फर्स्ट का प्रश्न आने वाला है और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जोया अख्तर की एक फिल्म का शीर्षक बनाने के लिए इन शब्दों को सही क्रम में लगाएं। Arrange these words in order to form the title of a Zoya Akhtar film. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए मिलेगी, बी ना, सी दोबारा, डी जिंदगी। समय समाप्त हो गया, आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी जिंदगी, फिर आता है बी ना, फिर आता है ए मिलेगी और अंत में सी दोबारा। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, डी बी ए सी, ये है सही क्रम। इसमें देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। एक को छोड़ के सबने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? श्रीम शर्मा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। आ गए हॉट सीट पर हमारे सामने श्रीम शर्मा जी, जो कि मोगा पंजाब से हैं। बहुत बहुत बधाई आपको श्रीम जी, तालियां बज जाएं इनके लिए। अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं आप अपने साथ? सर मेरे साथ मेरे मामा और मेरी वाइफ हैं। ओह, दोनों, आप दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ, स्वागत करते हैं हम इनका हमारे शो में। सर अभी अभी ब्याह हुआ है क्या? अभी अभी हुआ है और लग रहा है। 14 फरवरी को हुआ था सर। अच्छा अच्छा, इसलिए पूछ लिया कि थोड़ा वो सहमी हुए और झुमका बहुत बढ़िया पहने। तो माता जी के आंसू बह रहे थे जब आप सिलेक्ट हुए हॉट सीट पर आने के, इसके पीछे कोई कथा है या क्या है, वजह क्या है? सर असल में जो मेरे मम्मा है ये कौन बनेगा करोड़पति के डाई हार्ड फैन है। Okay. पहले सीजन से लेके अब तक कोई भी एपिसोड ये मिस नहीं करती जी। तो इनका सपना था, मेरे से ज्यादा सपना इनका था कि मैं इस सीट पे पहुंचूं, तो मैं अपनी माता का सपना पूरा करने आता हूं। तो माता जी आपका सपना पूरा हो गया है, तो अब तो संतुष्ट है आप ना? हाँ जी, हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ और इसकी तपस्या है, इसने व्रत रखे हुए हैं। ओहो, हाँ जी, आपने व्रत रखा हुआ है। सर जिस दिन मुझे कॉल आया था, 3 मई को आया था सर कॉल मुझे, तब से ही मैंने सर व्रत शुरू कर दिया और मैंने सोचा कि जब मैं हॉट सीट पे पहुंचूंगा तभी मेरा यह व्रत पूरा होगा सर। यानी इतने दिन, आज 97 डे सर। 97 डेज तक आपने भोजन नहीं किया है? नहीं सर। मेरा नाम है श्रीम शर्मा और मेरी एज है 35 और मैं मोगा पंजाब से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा एस्ट्रोलॉजर हैं, यानी ज्योतिषी हैं। मैं भी अपने पापा से एस्ट्रोलॉजी सीख रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति में आने के लिए जब 3 मई को मेरे को कॉल आया था कि आप ग्राउंड ऑडिशन के लिए आ रहे हो 1 महीने बाद, तो मैंने उसी दिन ही खुशी से अपना 108 दिनों का फलाहार व्रत शुरू कर लिया था और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं आज के बाद खाना नहीं खाऊंगा, कोई सब्जी नहीं खाऊंगा, अनाज नहीं खाऊंगा, सिर्फ फल फ्रूट, वो भी उतना जितना पेट को जरूरत है। और भगवान की कृपा रही तो केबीसी के सेट पे जाके अमिताभ बच्चन सर के सामने अपना व्रत मैं पूरा संपूर्ण करूंगा। आज 96 डे है मेरी तपस्या का, जो मैं फलाहार मैंने व्रत रखा है और अंतिम पड़ाव पे अब आ गया हूँ। सब लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं, मैं फ्रूट खा रहा हूँ। मन तो बहुत करता है खाना खाने का, लेकिन जो ये तपस्या की है इसको पूरा तो करना ही है। कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पे पहुंचना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरा भविष्य है, ये मेरा जीवन है, इससे बढ़ के मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता जीवन में, लाइफ में। भाई साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर कि आप हॉट सीट पर आ गए हैं और जो आपने प्रण लिया था वो पूरा हो गया है। क्या खाना चाहेंगे आप? सर सबसे पहले तो मम्मा के हाथ के
आलू के परांठे खाना चाहूंगा। मीठा भी बहुत पसंद है सर, तो मैं मीठा भी खाना चाहूंगा सर। ए भाई, इनका इनको भोजन वोजन करवा दिया जाए। अरे लाओ सर, बैठे रहिए यार। अब पराठा तो हम नहीं बनवा सके अभी, लेकिन आपका मुंह मीठा करवा देते हैं, ये लीजिए। वाह वाह, एक और मार दीजिए। क्या है सर ये मिलाई है, रस आपके साथ है सर। ना अरे क्या बात है। ओके, ये आप रखिएगा, यहीं रख देते हैं, जब मन हो आपका मार दीजिएगा दो तीन चम्मच। और अशीम जी, आगे चल के और बहुत सी बातें करेंगे, अभी खेल के और आपका ध्यान आ जाए। जी सर। खेल के नियम तो आपको पता ही है, उनको हम दोहराएंगे नहीं। और देवियों संजय, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न, 1,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अरे बाप रे, 2024 की फिल्म कल्कि डैश एडी का नाम कौन सा अंक पूरा करेगा? व्हाट नंबर वुड कंप्लीट द नेम ऑफ द 2024 फिल्म कल्कि डैश एडी? ऑप्शन सुनिए, ए 2898, बी 3898, सी 4898 या डी 5898। सर प्लीज लोग ऑप्शन ए 2898। ए पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, धन्यवाद। आपको एक बात कहना चाहूंगा सर। हाँ जी कहिए। सर आपकी जो ये मूवी है ना कल्कि, मैंने मूवी देखी सर, मेरा सर हॉल छोड़ने का मन नहीं किया सर, जब तक कि नंबरिंग नहीं खत्म हुई सर मैंने हॉल नहीं छोड़ा, और सर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ओहो। और सर अब आप मेरे लिए सर आप भगवान की तरह हो गए हो सर। अरे भगवान, क्योंकि जो आपने उसमें जो आपने जो रोल किया सर अश्वत्थामा का सर, इतना पावरफुल रोल सर, इतनी एनर्जी सर। जब कैमरा ऑन होता है भाई साहब, न जाने क्यों कहां से शक्ति आती है और वो हो जाता है किसी तरह। सर हैट्स ऑफ है सर आपको सर, दंडवत प्रणाम है सर। दंडवत प्रणाम है सर। और अच्छीम जी, अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आएगा 2,000 रुपए का, तैयार हो जाइए। दूसरा प्रश्न, 2,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या मुख्य रूप से लिखने के लिए खाली पन्नों से नहीं बना होता है? Which of these is not mainly made up of blank pages to write on? Option सुनिए, A diary, B notebook, C dictionary या D notepad? Sir please लोग option C शब्दकोश। शब्दकोश, notepad, notebook, diary, आपने कहा शब्दकोश। लॉक करने के लिए कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। और मान्यवर, अब आएगा एक और भोंपू। ये संकेत दे रहा है देश के सवाल का, तो चलिए देखते हैं देवियों सज्जनों की आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। ये चल पड़ी है गाड़ी महाराष्ट्र से। नमस्कार अमिताभ सर, मेरी और मेरी परिवार की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार। मेरा सवाल है, 2009 में किस भारतीय संगीतकार ने अपने कोलैबोरेटिव एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम के श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता? और आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए पंडित रविशंकर, ऑप्शन बी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ऑप्शन सी उस्ताद जाकिर हुसैन एंड ऑप्शन डी उस्ताद नुसरत फतेह अली खान। और आप लोगों का समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। कंप्यूटर महाशय बताइए कौन सा यूनिट जीता है? विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 11 आप हैं। अरे बधाई बधाई बधाई, ताली बज जाए उनके लिए। आपका शुभ नाम? मनीषा भट्ट। बहुत बहुत बधाई आपको। सही उत्तर बताइए। सी जाकिर हुसैन। बिल्कुल सही उत्तर है और आपके लिए एक छोटा सा उपहार है। थैंक यू सर।
बहुत बहुत बधाई आपको, थैंक यू। ऑलराइट फेम जी, तैयार हो जाइए। तीसरा प्रश्न आएगा आपके सामने, 3000 रुपए का तीसरा प्रश्न, ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा आइकॉन मोबाइल फोन पर साइलेंट मोड से संबंधित है? साइलेंट मोड, विच ऑफ दीज आइकॉन्स इज एसोसिएटेड विद द साइलेंट मोड ऑन अ मोबाइल फोन? कैन यू सी द पिक्चर प्लीज? इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी और इमेज ऑप्शन डी। सर प्लीज लॉक, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के लिए कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब है, ताले भी बज गए साथ में। मॉनिवर, दो प्रश्न दूर हैं आप जी सर सुपर सवाल से। चौथा प्रश्न आ रहा है, 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विलियम शेक्सपियर के लोकप्रिय नाटक रोमियो एंड डैश को कौन सा नाम पूरा करेगा? हुज नेम फिल्स इन द ब्लैंक ऑफ द आइकॉनिक प्ले बाय विलियम शेक्सपियर रोमियो एंड डैश? ऑप्शन देखिए, ए ओफिलिया, बी जूलियट, सी कॉर्डेलिया या डी रोजेलिन। सर प्लीज लॉक, ऑप्शन बी जूलियट। बी जूलियट पे कह रहे ताला लगाने के लिए, बिल्कुल सही जवाब। ओके, आ गया है पांचवा प्रश्न और इसके लिए मिलेंगे आपको 10,000 और है ये खेल का पहला पड़ाव और इसके बाद आएगा सुपर सवाल। पांचवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर श्रीम जी ये रहा। पुराणों के अनुसार भूतगण शब्द का प्रयोग किस भगवान की सेवा करने वाली आत्माओं के लिए किया जाता है? अकॉर्डिंग टू द पुराण द टर्म भूतगण इज यूज्ड टू रिफर टू स्पिरिट्स इन अटेंडेंस टू विच गॉड? ऑप्शन देखिए, ए भगवान शिव, लॉर्ड शिव, बी भगवान कृष्ण, सी लॉर्ड वायु या डी लॉर्ड इंद्र। भगवान वायु, भगवान इंद्र और भगवान कृष्ण। सर प्लीज लॉक, ऑप्शन ए भगवान शिव। भगवान शिव के लिए कह रहे हैं ताला लगाने के लिए, ए पे ताला लगाया जाए। सही जवाब है आपका, वाह। पहला पड़ाव पार कर लिया आपने, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। भूतगण जो है शिव के साथ यात्रा करते हैं और उनकी ओर से लड़ते भी हैं वो। जी सर। भगवान शिव के पुत्र उनके प्रमुख हैं। जी सर। इसीलिए उनका नाम गणपति है। गणपति सर। भूत गण गणपति, वहीं से आया। मान्यवर ये देखिए, ये है सूचना कर रहा है, संकेत दे रहा है कि सुपर सवाल अब। मान्यवर सुपर सवाल के बारे में आपको जानकारी है। ऑलराइट कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल पेश किया जाए। राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण ने किस दशक में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था? इन विच डेकेड डिड राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली एंड वीवीएस लक्ष्मण मेक देयर टेस्ट डेब्यू? समय की कोई पाबंदी नहीं है, उत्तर दीजिए। सर 90s में कह रहे हैं 90s, इसको ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका और आपको मिल गया है ये सुपर शक्ति जिसका नाम है दुग्नास्त्र। बहुत बहुत बधाई आपको। छठा प्रश्न, तैयार हो जाइए श्री। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक ग्राफ पर एक दूसरे को काटते हैं तो कितने चतुर्थ अंश बनते हैं? हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स आर फॉर्म्ड व्हेन द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ऑन अ ग्राफ? बदर बट्टू का समय निकल गया। अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं, ए 7, बी 4, सी 10, डी 1। 7, 4, 10, 1।
सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लाइफलाइन लेंगे, ओके शांत हो जाइए। टिक टिकी जी बोलिए कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। बी चार भाई साहब क्या कीजिएगा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी चार। बी चार पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया मानेवर। मुझे लगा ये तो बहुत आसान उत्तर है। सर ये मैथ का क्वेश्चन है। सर कोई मैथ का क्वेश्चन नहीं है। एक एक्स एक वाई। अच्छा ये जब किया तो एक दो तीन चार, चार क्वाड्रेंट है कि नहीं? दो ठो ऐसे काट दीजिए। कितने क्वाड्रेंट? मैं समझ नहीं पाया सर। कोई बात नहीं, एक लाइफलाइन चली गई। खेल में अभी भी आप जीवित हैं, इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। सातवां प्रश्न, 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। ये रहा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। नर्मदा नदी पर बने किस विशाल बांध के पास है? द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड क्लोज टू विच स्प्रॉलिंग डैम ऑन द नर्मदा रिवर? ऑप्शन आ गए आपके सामने। ए इंदिरा सागर, बी पीची, सी सरदार सरोवर, डी बर्गे। इंदिरा सागर, पीची, सरदार सरोवर, बर्गे। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी सरदार सरोवर। सी सरदार सरोवर पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। इज द राइट आंसर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक श्रद्धांजलि है। और माननीय अब आएगा आपके सामने आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। ये रहा बेरी बेरी और स्कर्वी जैसे रोग मानव शरीर में मुख्यतः किसकी कमी के कारण होते हैं? डिजीजेस सच एज बेरी बेरी एंड स्कर्वी आर कॉज्ड मेनली ड्यू टू द लैक ऑफ विच ऑफ दीज इन द ह्यूमन बॉडी। ऑप्शंस आ गए हैं ए विटामिन, बी कार्बोहाइड्रेट्स, सी कैल्शियम, डी आयरन। विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट, सी कैल्शियम, डी आयरन। सर प्लीज लोक ऑप्शन ए लाइक विटामिन। विटामिन विटामिन ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। सही जवाब निकला आपका। 80,000 जीत गया। बधाई 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 आपको। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। yes. और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। yes, sir. Okay. और माननीय आएगा आपके सामने नवा प्रश्न। और अभी भी दुगनास जो है वो चल रहा है। दो लाइफलाइन अभी भी बची हैं। नवा प्रश्न 160,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। ये रहा ये एक चित्र है, इमेज प्रश्न है। इस चित्र में पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर दिख रहे व्यक्ति किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? द पर्सन सीन ऑन द बुक कवर इन दिस इमेज इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। अब आपको हम तस्वीर दिखाएंगे। बदर दबा दिया है आपने। दुगनास जो है वो चालू हो गया है। आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। ऑप्शन ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी असम। सर ये असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। सर सो प्लीज लॉग ऑप्शन डी असम। डी असम पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। यस राइट आंसर। वेल डन। चित्र में देख रहे हैं व्यक्ति हेमंत बिस्वा शर्मा जी और ये असम के मुख्यमंत्री हैं। ओके ये जो चित्र आपने अभी देखा था
ये चित्र रूपा पब्लिकेशंस के सौजन्य से संभव हो पाया, तो हम अपना आभार प्रकट करते हैं उनको। ओके, 1,60,000 जो है जो आपको मिलता है बोनस। थैंक यू। और ये अभी अभी हम ट्रांसफर कर देंगे डिजिटल ऐप, आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे, 1,60,000 बोनस आपने जीत लिया है, 1,60,000। थैंक यू। ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे और इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया 1,60,000 रुपया। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। ओके, अब देखिए आ रहा है आपके सामने 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपये। इसे एक मौके पर हम सब जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनको बोलते हैं, एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलता है। दो लाइफलाइन आपके जीवित हैं, उसका ध्यान रहे। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपये आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल का ओलंपिक में 3 बनाम 3 का एक संस्करण है? Which of these sports has a 3 versus 3 variant in the Olympics? ऑप्शन सुनिए। ए वॉलीबॉल, बी वॉटर पोलो, सी बास्केटबॉल या डी हॉकी। लाइफलाइन। ओके, शांत हो जाइए टिकटिकी जी, दो बची हैं, वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड और डबल डिप, बोलिए कौन सी लीजिएगा। वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड्स। ओके, वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड लाइफलाइन अंकित कर दीजिए। 3 नाम जो आपने दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते हैं, ये हैं वो नाम, अक्षय शर्मा, ऋषि मनचंदा, चक्रवर्ती शर्मा। सर चक्रवर्ती शर्मा जी को। जी चक्रवर्ती शर्मा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए और देखें इनके पास इस प्रश्न का उत्तर है कि नहीं। चक्रवर्ती शर्मा जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, हमारे सामने श्रीम शर्मा जी बैठे हैं हॉट सीट पर। जी सर। और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, जो प्रश्न है वो श्रीम पढ़ के सुनाएंगे आपको, तो अगली आवाज है श्रीम की। श्रीम आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से किस खेल का ओलंपिक में 3 बनाम 3 का एक संस्करण है? वॉलीबॉल, वाटर पोलो, बास्केटबॉल और हॉकी। इनमें से किस खेल का ओलंपिक में 3 बनाम 3 का एक संस्करण है? 3 versus 3, वॉलीबॉल, वाटर पोलो, बास्केटबॉल, हॉकी। वाटर पोलो लग रहा है सर, कंफर्म तो नहीं है। वाटर पोलो लग रहा है लेकिन कंफर्म नहीं है सर। समय निकल गया, अभी भी आपके पास एक लाइफलाइन और घड़ी चल पड़ी, जल्दी डबल डिप सर लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा। डबल डिप लाइफलाइन यूज करेंगे, शांत हो जाइए टिकटिकी जी, अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। इसमें ये होता है कि 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के, पहला उत्तर बताइए। सर वाटर पोलो। बी वाटर पोलो पे ताला लगाया जाए, मान्यवर ये गलत, बचा है वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी। दूसरा उत्तर बताइए। बास्केट, प्लीज लॉक ऑप्शन सी बास्केटबॉल। सी बास्केटबॉल को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब। लग गया सर 3x3 बास्केटबॉल का एक नया वेरिएंट है जिसे 2020 में ओलंपिक में शामिल किया गया था। ओके सर। सामान्य बास्केटबॉल गेम में प्रत्येक साइड के 5 खिलाड़ी होते हैं, ये 3x3 बास्केटबॉल जो है ये एक वेरिएंट बना है अभी ओलंपिक्स में। 3x3 स्कूल टाइम में काफी बास्केटबॉल खेला था, मैं सोच रहा था कि यार हम तो 6-6, 7-7 प्लेयर होते हैं, 3 जी, तो जी, बिल्कुल तुक्का लग गया सर ये। सर 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं, सबसे पहले तो एक चेक लिख के देंगे हम आपको 3,20,000 का। बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। श्रीम शर्मा जी 3,20,000 रुपए का चेक।
जैसा कि आप जानते हैं कि 10वें प्रश्न के बाद यहाँ खेल में जो एक परिवर्तन आया है वो है सुपर संदूक का। हैं? सुपर संदूक में आपको जानकारी पता है, अब बताइए हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? हिंदी सही रहेगी। हिंदी, ऑलराइट, ओके, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए श्रीम जी। सुपर संदूक, श्रीम जी आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से क्या आमतौर पर सांभर में मिलाया जाता है? इमली, तरबूज, सेब, केला? सर, इमली। सही उत्तर। नेक्स्ट, मधुमक्खियां इनमें से किससे शहद बनाती हैं? पानी, नमक, पेड़ की छाल, फूल का रस? फूल का रस। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा किला अहमदाबाद में स्थित है? आमेर, भद्र, जींजी, गोलकोंडा? सब भद्र। भद्र, सही उत्तर। बल्गेरिया की राजधानी क्या है? सोफिया, जॉर्जटाउन, मनीला, सैंटियागो? सर, सोफिया। करेक्ट। नेक्स्ट, कपड़ों के आकार चार्ट में एस अक्षर आमतौर पर क्या दर्शाता है? स्मॉल। करेक्ट। नेक्स्ट, पानीपत का तीसरा युद्ध किस शताब्दी में हुआ था? 17, 18, 19, 20? सर, 17वीं। गलत। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र दो छोर वाला ड्रम है? एकतारा, बांसुरी, मोरसिंग, मृदंगम? मृदंगम। मृदंगम। करेक्ट। नेक्स्ट, इगुआना किस प्रकार का जानवर है? स्तनपाई, सरीसृप, मछली या पक्षी? सर, पक्षी। गलत। नेक्स्ट, माइग्रेन के कारण शरीर के किस भाग में तेज दर्द होता है? हेड। सिर, हेड का आपने बिल्कुल सही। नेक्स्ट, फ्लैट व्हाइट किस प्रकार का पेय पदार्थ है? चाय, छाछ? सर, बटर मिल्क। बटर मिल्क। गलत। ऑलराइट मान्यवर, 7 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दिया, 70,000 रुपए जीत गया। ठीक है सर। जहां जहां गलत हो गए थे वो आपको बता देता हूँ। पानीपत का तीसरा युद्ध किस शताब्दी में हुआ था? वो 18वीं शताब्दी में, 17वीं नहीं। एक और जगह आप गलत हुए थे, वो था कि इगुआना किस प्रकार का जानवर है? ये एक सरीसृप है, इट्स अ रेप्टाइल। एक और जगह जहां आप गलत हो गए थे वो था कि फ्लैट व्हाइट किस प्रकार का पेय पदार्थ है? छाछ नहीं, एक कॉफी होता है। मैं लस्सी समझा था सर। हाँ। पंजाब में लस्सी चलती है सर। ओके ओके, 70,000 रुपए आप जीत गए। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो इसे बैंक में जमा कर दीजिए या अपनी खोई हुई लाइफ लाइन जीवित करो। सर, मैं खोई हुई लाइफ लाइन लेना चाहूंगा। ऑलराइट, कौन सी? ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल। ऑलराइट, कमेटी महाशय, ऑडियंस पोल की लाइफ लाइन को फिर से जीवित कर दीजिए। 70,000 की एवज में इन्होंने अपनी लाइफ लाइन जीवित करवा दी है। ऑलराइट मान्यवर, अब खेल में आगे बढ़ते हैं। आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न, लीस्ट रिस्क वाला होता है। खेलिएगा जरूर, क्योंकि अगर ये गलत हो भी गया दुर्भाग्यवश तो आप कुछ खोएंगे नहीं। 3-20 निश्चित है, आज आप यहां से ले जाएंगे, और जो 1,60,000 बोनस मिला है वो भी आपके बैंक में गया हुआ है। एक लाइफलाइन, ऑडियंस पोल अभी भी जीवित। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। ये रहा, इनमें से किस शहर के हवाई अड्डे का नाम सुवर्ण भूमि हवाई अड्डा है? विच ऑफ दीज सिटीज इज सर्व्ड बाय द सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट? और ऑप्शंस हैं आपके सामने ये, ए जकार्ता, बी बैंकॉक, सी कुआलालंपुर, या डी सिंगापुर। सर, प्लीज लॉक ऑप्शन बी बैंकॉक। ऑप्शन बी बैंकॉक के लिए कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। सही जवाब है आपका, 6,40,000 रुपए जीत लिया आपने। बैंकॉक जो है वो थाईलैंड की राजधानी है। थाईलैंड पर भारतीय प्राचीन ग्रंथों का बहुत ही अधिक प्रभाव रहा है, और यहाँ कई स्थानों के नाम संस्कृत से लिए गए हैं। सुवर्ण भूमि जो है वो भी संस्कृत के नाम से ही जुड़ी हुई एक एयरपोर्ट को उन्होंने, उनका नामकरण किया है। ओके, अब आ गया है आपके सामने 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपये का, और एक लाइफलाइन अभी भी जीवित है। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपये आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा, किस महामारी के दौरान
आईसीएस अधिकारी चार्ल्स रैंड द्वारा किए गए अत्याचार के कारण उसकी 1897 में हत्या कर दी गई थी। 1897 में द आईसीएस ऑफिसर चार्ल्स रैंड वॉज असैसिनेटेड इन 1897 ड्यू टू हिज एट्रोसिटीज ड्यूरिंग एन एपिडेमिक ऑफ विच डिजीज। किस महामारी के दौरान? ऑप्शन सुनिए, ए स्पेनिश फ्लू, बी स्मॉल पॉक्स, सी कॉलरा, डी प्लेग। सही उत्तर देंगे 1250, गलत आपको अब नीचे गिरा देंगे 320 पे। एक लाइफलाइन है आपके पास, चाहे तो उसका उपयोग कर सकते हैं या आप चाहें तो क्विट कर सकते हैं। 640 आप जीत रहे। स्पेनिश फ्लू, चेचक, हैजा या प्लेग? पढ़ा था सर कि एक बार यूरोप में सर चूहों के कारण बहुत बीमारी फैली थी सर वहां पे। सर लाइफलाइन लेना चाहूंगा। आपकी बची हुई लाइफलाइन से ऑडियंस 4, इसको अंकित कर दिया जाए। कबीर जी, ऑडियंस की बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 79%, और ए बी और सी को मिले हैं 6, 10 और 5। क्या कीजिएगा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, प्लेग। डी प्लेग, जनता के साथ जाना चाह रहे हैं, लॉक किया जाए। मान्यवर, हमने आपसे कहा था कि आपके ऊपर कोई लांछन नहीं कस रहे हैं कि कभी कभी जनता जो है इतने मुश्किल प्रश्न पर आकर के आगे पीछे हो जाते हैं, गलतियां भी करती हैं, और हमारी जो जनता है वो बड़ी शिक्षित जनता है एकदम, और उन्होंने पहले से अंगूठा कर दिया, तो बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेल प्लेड ऑडियंस, 1,50,000 रुपए जितवा दिए, धन्यवाद दे दीजिए आप जनता को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कंप्यूटर जी बता रहे हैं कि पुणे में ब्यूबोनिक प्लेग फैल गया था, और उस समय चार्ल्स रैंड स्पेशल प्लेग कमिटी के हेड थे। बजाय इसके कि लोगों की इसमें सहायता की जाए, उसने लोगों पर अत्याचार किया, जिस कारण कई लोगों की मौत हो गई। इसी कारण चापेकर बंधुओं ने उसकी हत्या कर दी। ओके, चापेकर बंधुओं ने उनकी हत्या की थी। ये बिल्कुल सही उत्तर, क्या बात है ऑडियंस, बिल्कुल सही उत्तर दिया। वेल प्लेड। ऑलराइट भाई साहब, अब आ गया आपके सामने 13वां प्रश्न, और इसका मूल्य है 25,00,000 रुपए। बता दें आपको कि अब कोई लाइफलाइन नहीं आपके पास, रिस्क मत लीजिएगा। अगर आपको निश्चित रूप से पता हो कि इसका उत्तर यही है, तो ही मैं राय दूंगा कि आप खेलें, वरना आप क्विट कर सकते हैं। 1250 आप जीत रहे हैं, और साथ में 1,60,000 बैंक में पहुंचा हुआ है जो बोनस। 13वां प्रश्न, 25,00,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। रविंद्रनाथ ठाकुर की शताब्दी जयंती समारोह के दौरान इनमें से किस स्थान का नाम एक दिन के लिए टैगोर स्क्वायर कर दिया गया था? द नेम ऑफ विच ऑफ दीज लोकेशंस वॉज चेंज्ड टू टैगोर स्क्वायर फॉर अ डे ड्यूरिंग द सेंटिनरी सेलिब्रेशंस ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने, ए रेड स्क्वायर मॉस्को, बी टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क, सी ट्रफेलगर स्क्वायर लंदन, डी सेंट पीटर्स स्क्वायर वेटिकन। सही उत्तर देंगे 25,00,000, कोई लाइफलाइन नहीं, क्विट करेंगे 1250, आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं।
सर ऑप्शन सी लग रहा है मुझे सर। सही उत्तर देंगे आपको 25 लाख, गलत नीचे गिरा देंगे 3-20। सर ऑप्शन जो डी है सेंट पीटर्स के वेटिकन, सर इसकी तो उम्मीद मुझे लग नहीं रही। रेड स्क्वायर मॉस्को की भी मुझे उम्मीद कम ही लग रही है, क्योंकि रशिया की और रविंद्रनाथ टैगोर की सर विचारधारा में काफी फर्क था सर। टाइम स्केयर और ट्राफ लग स्केयर में सर मुझे डाउट लग रहा है सर। क्या करना चाहेंगे शिव जी? सर मेरी इंट्यूशन पावर है सर, वो सी पे जा रही है सर। मॉस्को, मॉस्को। लंदन जाते थे सर काफी सर रविंद्रनाथ टैगोर सर। क्विट करना चाहूंगा। क्विट करेंगे आप? ऑलराइट, फाइनल उत्तर आपका, आप क्विट करेंगे, अनुमति देते हैं आपको। 12.50 आप जीत रहे हैं शिव जी, बहुत सुंदर तरीके से आप खेले खेल, और ये 12.50 आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दिए जाएंगे। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, 12,50,000 हो गए। ओके किया, कन्फर्म किया, और ये 12,50,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में पहुँचे बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से ऐप के द्वारा। बहुत बहुत बधाई। अब मान्यवर हमारे दर्शकों को और यहाँ की जनता को इसका उत्तर बताना पड़ेगा, किसी एक को गेस कीजिए। सर ऑप्शन सी ट्राफलगर स्क्वायर लंदन। सी ट्राफलगर स्क्वायर लंदन पे ताला लगाया जाए। मान्यवर अच्छा वो आप नहीं खेले, ये गलत होता। सही उत्तर है टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क। भारत के काउंसल जनरल सुनील के रॉय न्यूयॉर्क शहर के मेयर रॉबर्ट वैगनर जूनियर के साथ नाम परिवर्तन समारोह में उपस्थित थे। समारोह के दौरान टैगोर के किंग ऑफ द डार्क चेंबर का एक ऑफ ब्रॉडवे प्रोडक्शन भी प्रस्तुत किया गया था। थैंक यू, बिग हैप्पी।